press the bell icon on YouTube app, and never miss another update. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पश्चिम बंगाल में 5000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। यह निवेश राज्य के टेलीकॉम और पेट्रो रिटेल बिजनेस के विस्तार के लिए होगा। अंबानी ने मंगलवार से शुरू बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि रिलायंस की टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो इन्फोकॉम राज्य में मोबाइल फोन और सेट टॉप बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस अपनी तरह की खास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ काम करेगी। इसके लिए पश्चिम बंगाल को इनोवेशन और कंज्यूमर डिवाइस के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का हब बनाया जाएगा। इसके तहत मोबाइल फोन सेट ऑफ बॉक्सेस और अन्य डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अंबानी ने कहा कि ममता दीदी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में राज्य में बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल बना है। RIL ने राज्य में 4500 करोड़ रुपए के निवेश का कमिटमेंट किया था, लेकिन 15000 करोड़ रुपए का ही निवेश किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में RIL एक सबसे बड़े निवेशक के रूप में सामने आई है। सबसे अधिक निवेश RIL की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के 4G हाई स्पीड मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क के लिए किया गया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि दीदी हम केवल आपके चलते यहाँ बड़े निवेश कर सके, क्योंकि आपने यहाँ बिजनेस के अनुरूप माहौल तैयार किया और नीतिगत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया। अंबानी ने कहा कि जियो फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। कंपनी राज्य के 5 जियो में डिजिटल सर्विस सेंटर की स्थापना भी करेगी, जिससे यहाँ ई कॉमर्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगा। उन्होंने कहा कि दीदी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल देश में नंबर 1 राज्य बना हुआ है। कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर यहाँ के टैलेंट को आगे लाने के लिए कार्य करेगी। अंबानी ने कहा कि हम अगले कुछ सालों में जियो और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम और रेट्रो रिटेल पर अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अंबानी ने बताया कि राज्य में जियो के 1.2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। दिसंबर 2018 तक बंगाल में जियो की 100% कवरेज हो जाएगी। हमारे मौजूदा जियो नेटवर्क के तहत 1000 टाउन और करीब 39000 गाँव हैं। इस साल के आखिर तक राज्य के प्रत्येक गांव तक जियो की पहुंच हो जाएगी। दिसंबर 2019 तक जियो राज्य के प्रत्येक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और अस्पताल से कनेक्ट हो जाएगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।